सैड, कोई बात नहीं। इस बात पे आप शर्मिंदा क्यों है, हंसी क्यों आई है आपको? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा जो मेरे फैंस वेट में जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूं, क्योंकि कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ टाइम भी नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा बिज़ी चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज रबीका के सॉन्ग का जो पार्टी वाली नाइट है जिसमें मैं भी हूँ और हमारे काफ़ी दोस्त हैं हुसैन और शहीर, अफसा, शहज़, हुरैन, रबीका ख़ुद, तो हम सब का सॉन्ग आज रिलीज़ होने वाला है। आज लॉन्चिंग डेट भी मैंने सोचा है कि व्लॉग बना के फिर से अपलोड करूं, क्योंकि काफ़ी दिनों से कोई टाइम भी नहीं मिला था और कोई सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी, मैं उन जगहों पे था जहाँ व्लॉग बनाना मुनासिब नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा एक व्लॉग बना के शेयर करूँ जो लोग इंतज़ार में सिर्फ उनके लिए। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, मैं आप सबसे बात भी नहीं कर पाया हूँ, मैं जाहिर सी बात है मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेज होते हैं और जो मेरे फैन पेजेस जो मेरे रिप्लाई का वेट करते हैं मैं अक्सर उनसे कम्युनिकेट यही मेरे ब्लॉग के ज़रिए करता रहता हूँ, तो सॉरी फॉर डिले। और अब इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा फिर से एक्टिव रहने की, तो चलें अभी दिखाते हैं आपको कौन कौन आए हैं और क्या सीन है, कैसे होगा रबीका के सॉन्ग की लॉन्चिंग पार्टी आज। चलें तो जी, ये सारे हमारे दोस्त आए हैं, जितने भी कास्ट थी हमारी सॉन्ग की तो सब आए हैं और आज पार्टी है, लेकिन कुछ लोग जो हमेशा एज यूजुअल लेट होते रहते हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन मैं हमेशा की तरह टाइम पे पहुँच जाता हूँ और आज भी मैं टाइम पे पहुँच गया हूँ और मैं बाल नहीं बना सका क्योंकि मुझे आज यही लुक अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा आज ऐसे चलता हूँ। और बाकी तो जी हमारे साथ है हमारे सॉन्ग का डीजे। डीजे क्या हाल है, सॉन्ग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वीडियो सॉन्ग जो बना रहे थे? बहुत अच्छा रहा, मजा आया। तुम्हारे तो कुछ सीन्स थे जो लोग देखना पसंद करेंगे जरूर, वो मुझे बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगे, जो बहुत मजा आया मुझे शूट के दौरान। और तुम्हें बताया कितना मजा आया, BTS में भी काफी मजे किए हम लोगों ने, तो इंशाल्लाह भी मैं कोशिश करता हूँ सॉन्ग के बाद मैं अपना ब्लॉग अपलोड करूंगा, तो आप सब देखना और सॉन्ग भी जरूर शेयर करना, सपोर्ट करना, हमें बड़ा मजा आएगा और बहुत जबरदस्त बेहतरीन काम हुआ है इस बार। तो बालाज आज हमारा सॉन्ग आया रबीका ने जो खुद सिंग किया है, तो उसकी जो टीज़र वगैरह आपने देखे वो आपको कैसे लगा? टीज़र से तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लग रहा था, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कामयाब हो यार दोनों का सॉन्ग। आज हम दोनों के बाल ऐसे क्यों लगे? यार बाल तो जो है ऐसे लुक में ज्यादा अच्छी लगती है, अभी देखना लोग यही कॉपी करेंगे। सॉरी यार मैं सलमान खान नहीं हूँ, मुझे देखेंगे बेशक यार, इज्जत देने वाली बात अल्लाह की है, और मुझे भी यही मेरा लुक अच्छा लगा इसी में बाल नहीं बना पाया, और बालाज को भी यही लग रहा था कि वो इस तरह अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी गलत फहमी थी। अच्छा, जी हमारे साथ आ गए जॉर्डन दिखा, जिंदगी भर ब्रांडेड करने वाले लोग याद रखना, आगे नहीं बोलूंगा। जी नाज़रीन, जिसका आपको इंतजार था वो है ये बंदा, जिसका आपको काफी देर से कमेंट कर रहे थे। चलो यार, चलो जल्दी चलो यार। लारिफ, लारिफ बच्चे पीछे बैठ रहे हैं, बच्चे पीछे बैठ रहे हैं, हमारी बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स आपके लिए बहुत जबरदस्त। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
बड़े बड़े लोग बालच यहाँ पो यार सर एक सेल्फी की सेल्फी हो जाए अच्छा जी ये तो एक पैकेज इसलिए था कि टेक्निकली ये स्ट्रगल है इस गाने के पीछे जो उसने की है माशाल्लाह और हम हमेशा से कहते हैं कि मेहनत जो है कहीं ना कहीं रंग लेकर आती है तो थोड़ा सा भी टैलेंट और उसको पॉलिश करना और अब हमने ट्रेनिंग का भी एहतमाम किया है माशाल्लाह और अब जब नेक्स्ट सॉन्ग जब तक आएगा तो आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। मैं वाजिद सईद का खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ। वाजिद भाई आप आइए जरा मेरे साथ आइए कह रहे थे तो रिफ्रेश करें मिलेंगे फिर चल जाएगा क्योंकि अभी काफी सारे फैंस जो है वेट कर रहे हैं आप देख रहे हैं कमेंट्स की तादाद और काउंटडाउन स्टार्टिंग ऑल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और बहुत मजा आया बहुत एंजॉय किया हर चीज म्यूजिक साउंड एडिटिंग ग्राफिक्स तो जी गाने का सीन स्टार्ट हो गया है और एक बंदा है जो बार बार वहाँ जा रहा है और गाने के लिए बार बार अपना प्लेट रिफिल कर रहा है वो भी खुद को छुपा रहा है क्योंकि मैंने कैमरा निकाल दिया उसका नाम है लारिब खालिद अभी वो नजर नहीं आ रहा और बालाज भाई ने माशाल्लाह से 3-4 बार रिलोड करके आया है प्लेट और अभी भी इसका पेट नहीं भरा है माशाल्लाह से तो बालाज भाई कितना खाएंगे आप और ये भाई बताएंगे कौन जा रहे तो भाई ने तो बिल्कुल काया भी नहीं है भाई ने बिल्कुल टच भी नहीं किया ना भाई 3 दफा दिखा रहा यार आपने कितना खाया यार मैं तो आपको लग रहा होगा मेरी तरफ से हम बहुत कम खाते हैं अच्छा ये आपकी जो बराबर में बैठी हैं ये बहुत ज्यादा खाते ये अभी भी टूस रही है बिस्किट की प्लेट देखें आप सभी अब वो देखो माशाल्लाह से यार बस अल्लाह इनको नजर से बचाए माशाल्लाह बार बार खा रहे हैं पी रहे हैं और खाएं हम नजर नहीं मार रहे हैं लेकिन माशाल्लाह से बहुत खाते हैं और खुरैम भाई ये जो सामने बैठे हैं ये बिल्कुल नहीं ये डाइट पे ही है ये कुछ टच भी नहीं करते हैं वो बस वो पता नहीं क्यों थोड़े से इसकी मूंछों में लगे अच्छा नहीं 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 वो प्लेट किसी और के होंगे खुरैम भाई के बिल्कुल भी नहीं होंगे खुरैम भाई यार खाए ना आप क्यों नहीं खा रहे हैं डाइटिंग पे आप खा लिया यार झूठ बोलने देता मैं तेरे ऊपर झूठ बोल रहा था कि ये नहीं खा रहे हैं और खैर अभी सच और खुशबू सामने आई जाती है क्या क्या दिखाऊं ये क्या कुछ भी नहीं है तो जी ये फिर से आ गया रंगिया तो पकड़ा इस दफा मैंने पहले नहीं मारा था हाँ भाई कैमरा फेस करें आप किधर भाग रहे फिर से आ गया आप कौन सा सातवां शिफ्ट चल रहा है क्या बस करे भाई बस करे अल्लाह का खौफ करे शर्मिंदगी है इन भाई की आंखों में तो नबील भाई कैसा लगा आपको सॉन्ग आज लॉन्च हुआ था बहुत जबरदस्त है और उसमें मैं कैसा लग रहा था आप तो हमेशा अच्छे ही लगते हैं आप तो मतलब यार बस बंदा कोई भी वीडियो बना ले ये निकाल देता है भाई अपना दुकान देखने यार देखो मैं एक बार बोलूंगा नहीं 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 बस वो ब्रांडनेस मैंने कम काम रखा है इसलिए ब्रांडनेस की वजह से क्वालिटी डिफरेंस ये हमारे पास एक दुआ बैठा है क्वालिटी डिजाइन मैटर क्वांटिटी मैटर क्वांटिटी ये 2 हफ्ते पहले ही उल्टा बोलता था आज उल्टा बोल सरी आज सॉन्ग लॉन्च हुआ था जिसमें आप मेरे क्या थी मुझे अच्छा तो कैसा लगा यार मजा आया यार बहुत मजा आया अल्लाह से बहुत कामयाब करे आमीन ऐसे ही 10,000 सॉन्ग आते हैं आमीन आमीन यार वैसे मजा आया था यार वो जो तू स्टेप कर रहा था नाच के देखा कर नहीं कुछ कुछ कर रहा था जो तू ऐसे कर रहा था ऐसे कर रहा था ये हो रहा है काट लिया टूट डाल देना टूट चाहिए
यार मेरी बात सुन, सुना काटने का माशाल्लाह बहुत कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, काटने का काम यार आप लोग खराब करने बार बार आ जाते हैं यार, ये इसको निकाल दे, निकाल दे, निकाल इस चैनल से, इसको निकाल दे, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो फुल यार ये बंदा बहुत ही अजीब लैंग्वेज यूज कर रहा है, मैं सॉरी डाल दूंगा मैं भाई, ये इनका अपना नहीं, मैं डाल दूंगा भाई, मैं डाल दूंगा भाई, हमारा यार ही हमारा वॉइस ओवर, कमेंट करो शेयर करो यार, हमारी आवाज थोड़ी पीछे से चल रही है, जैन सब मिल गए, ये डाल दूंगा मैं, नहीं काटूंगा नहीं काटूंगा, अबे सब पे तू डाल दूंगा सही, मैं डाल दूंगा सही, बचाओ सही, अच्छा एक मिनट ये खुद क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सब फुल डाल दूंगा अभी, इनको बोल रहा क्या, बोल रहा डाल दूंगा, आई लव यू डाल दूंगा मैं, ये वीडियो YouTube पे डाल दूंगा, नहीं है YouTube पे डाल दूंगा, ये अच्छी बात बोली, मैंने क्या पूछ लिया, अच्छा मैं काले भाई से ये ले भाई, दूर वो दो बंदर नजर आ रहे होंगे आपको, नहीं नहीं शहीद आप प्लीज मेरे ब्लॉग में नहीं आया करें, नहीं नहीं आप प्लीज कुछ नहीं बोले यार, क्योंकि ये जब बोलता है तो फिर वो सीन मुझे काटना पड़ता है, तो जी सब कुछ हो गया, सॉन्ग भी लॉन्च हो गया और लॉन्चिंग सेरेमनी भी गुजर गया और हम गए, हम वापस आए भी और मज़ा भी आया काफ़ी, खाया पिया भी खूब बालाज भाई ने और मज़ा बहुत ज़्यादा आया, और बालाज भाई ने खाया पिया या तुमने खुद काफ़ी, नहीं यार नहीं नहीं, एक मैं आवाम को बताना चाहता हूँ, बालाज भाई माशाल्लाह से वैसे भी खाते पीते घराने से, वो मैं व्लॉग इंटरटेनिंग करने के लिए थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ, बाकी बालाज भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ है और बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए हैं, अच्छा ये आज पता नहीं इस बात पे आप शर्मिंदा की हुए, हंसी क्यों आई है आपको, नहीं मैं तो मैंने बोला बालाज भाई कौन सी आज बहुत सुलझा हुआ है, आपको हंसी आई क्यों, नहीं पता नहीं आज सूरज कहाँ से निकला है, चांद कहाँ डूबा है, वाह भाई वाह क्यों कर रहे, वो तो मैं हमेशा करता हूँ यार, मैंने कहा अच्छा वैसे बाकी लोगों को ये बताता चलूँ कि एक कांस्टेंट रहोगे ना आप, एक चीज़ करते रहो, मुस्तकिल करते रहो तो उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी और माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा व्यूज 3.5 मिलियन तक व्यूज आ रहे थे, लेकिन उसके बाद मैंने अपग्रेड ले लिया, अपग्रेड के बाद आईडी भी थोड़ा सा स्लो हो चुका है और माशाल्लाह से अपने व्लॉगर लोग देख सकते हैं कामयाब होते जा रहे हैं, मुझे भी देखो मैंने भी शुरू किया व्लॉगिंग, खैर बीच में छोड़ दिया, सब्सक्राइबर सबके मुझसे कम थे अभी वो मुझे मैंने सबने क्रॉस कर दिया, तो इस वजह से मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग कॉन्स्टेंट रहे, अगर आप लोगों को कामयाब होना है, मैं तो ऐसा बंदा होना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, चाहे सब्सक्राइबर मिलियंस में चले जाए चाहे सब्सक्राइबर जीरो हो जाए, क्योंकि मुझे ना कोने का गम होता है ना जो है ना पाने का शौक है, तो जो चल रहा है उसके लिए मैं बहुत शुक्र चाहते क्या है भाई आप, मैं ये चाहता हूँ कि भाई जिस तरह से गुजर रहा है उसी हाल में उसी वक्त में शुक्रिया और शुक्र अदा करूँ, क्योंकि इंसान जो है ना इंसान वो ऐसा मखलूक है वो, क्योंकि उसने जन्नत का मज़ा चखा हुआ है ना, जितना भी उसको लालच होगा आगे बढ़ने का वो, क्योंकि इस दुनिया में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो जन्नत से आया है वहाँ का मजा चाहिए, इस दुनिया में इसको वो सुकून वो चैन नहीं मिलेगा, तो इसलिए सही बात है ये जो बात है, आप उसमें खुशी तैयार कर लो, उस हाल में खुश रहो और कोशिश करो आगे बढ़ने की, तो आपको बहुत मंजिलें भी आगे मिलेंगी, मेहनत का सिला अल्लाह ताला बिल्कुल दे देता है, और अभी आप लोगों से उम्मीद है आप लोग मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप जो रबीका का न्यू सॉन्ग आया जिसमें मैं भी हूँ और काफ़ी हमारे सारे दोस्त, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उसके वीडियो को जाके कमेंट्स करें और कोशिश करें ट्रेंडिंग नंबर वन पे लाने की, इंशाल्लाह आ जाएगी, मुझे पूरा उम्मीद है ट्रेंडिंग पे आने की, लेकिन फिर भी आप लोग खूब सपोर्ट करोगे तो ही आएगी, आप लोग के सपोर्ट के बिना हम लोग जितने भी हम लोग आपको इंटरटेन करते हैं, आप लोग के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, हम लोग आपके लिए टीवी में आते हैं, तो अब आप लोग जितना भी सपोर्ट करोगे उतना ही हमारा दिल खुश होगा, और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पहले भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है और अब भी दिल चाहता है कि अभी हमें उम्मीद है कि आप इस सॉन्ग को ट्रेंडिंग पे लाओगे, और काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम कमेंट कर, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में
बालाज का चैनल के लिंक भी दूंगा और रविका के जो न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ उसका भी लिंक दूंगा। आप लोग खूब सपोर्ट करें। इसलिए कहने का मकसद ये है कि मेरा ब्लॉग भी ट्रेंडिंग नंबर वन पे लेके आ जाओ। जैसे भी हम लोग गए, हमने आपको दिखाया कि हम लोग गए रविका के सॉन्ग के लॉन्चिंग सेरेमनी में, वापस आए घर, तो ये सब कुछ था। खैर अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ है, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह ने कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।